हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। टीएसपीसी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, जहां पे इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने डिग्री की हुई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, अभी तक इन्होंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जारी किया हुआ है, अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन जो है अभी जारी नहीं किया। 23 सितंबर को डिटेल नोटिफिकेशन ये लोग जारी करेंगे एंड एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन भी अभी नहीं आई हुई है। तो अभी इन्होंने केवल ये बताया हुआ है कि हम लोग रिक्रूट करेंगे एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहेंगी, एज लिमिट क्या है एंड कितना पे स्केल देंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद की तरफ से कुछ और वैकेंसीज निकल के आई है। एक नोटिफिकेशन इन्होंने कुछ दिन पहले जारी किया था, एक नया नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया हुआ है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 सितंबर से स्टार्ट होंगे एंड लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो बेसिकली 21 अक्टूबर यहाँ पे लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की रहने वाली है, राइट। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन के लिए है डिटेल नोटिफिकेशन, वो 23 सितंबर को वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ जो वैकेंसीज निकाली हुई है केवल उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे स्पेशली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट मिशन के अंदर वैकेंसीज निकाली गई है, 62 वैकेंसीज है सिविल वाले बच्चों के लिए। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब आप जो है अगर आपने डिग्री की हुई है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं, 18 ईयर से 44 ईयर जो है वो एज लिमिट रखी गई है। पे स्केल जो है वो 45,960 रुपीज से लेके 1,24,150 रुपीज यहाँ पे रखा गया है। तो ये सारी जितनी भी पोस्ट है इनके लिए एज लिमिट एंड पे स्केल यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट इंजीनियर इन पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर वैकेंसीज निकाली गई है, 41 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसके लिए फिर से मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा इन सिविल है, मतलब अगर आपने सिविल में डिप्लोमा या डिग्री की है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ के अंदर 13 वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे फर्दर फिर से आपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा किया है या डिग्री की है तब आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट म्युनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ के अंदर 29 वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर फिर से मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी टेक्निकल ऑफिसर की है, यहाँ पे 9 वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें फिर से फर्दर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे रखी गई है, मतलब आपने जो है डिप्लोमा सिविल में किया हो या फिर इंजीनियरिंग की हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर ट्राइबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के अंदर जो वैकेंसीज निकाली है, 3 वैकेंसीज निकाली है। यहाँ पे देखो, यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन की डिग्री सिविल के अंदर की होनी चाहिए, मतलब इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अलग से इन्होंने मेंशन कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी सिविल के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए एंड साथ में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपने सिविल के अंदर डिप्लोमा किया है या मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है जी, उससे ऊपर आपने डिग्री भी की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 227, काफी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने निकाली हुई हैं। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज, 12 वैकेंसीज है सिविल इंजीनियर, सिविल में डिप्लोमा या फिर हायर डिग्री आपने की होगी तब आप अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर 38 वैकेंसीज, यहाँ पे फर्दर आपने डिप्लोमा किया होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो वैकेंसीज थी वो 434 वैकेंसीज थी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल वालों के लिए है एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की कुछ और वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे निकाली हुई है। पंचायती राज के अंदर 27 वैकेंसी निकाली है, मिनिमम आपने सिविल के अंदर अगर डिप्लोमा किया हुआ तब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट फर्दर सेम रखी गई है, पे स्केल इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है तो आप एक बार देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर 68 वैकेंसीज। फर्दर डिप्लोमा इन सिविल अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर एक और वैकेंसी है जेटीओ के अंदर ही जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, 32 वैकेंसीज निकाली गई है। मिनिमम आपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है डिप्लोमा किया होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की 212 वैकेंसीज, ये काफी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आपने सिविल में डिप्लोमा या फिर मैकेनिकल में डिप्लोमा किया होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट रोड एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर 60 वैकेंसीज निकाली गई हैं। फिर से आपने अगर सिविल में डिप्लोमा या फिर डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने केवल वैकेंसीज के रिगार्डिंग मेंशन किया हुआ है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। डिटेल नोटिफिकेशन 23 को आएगा, तो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वहां पे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी, जब ये डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद की तरफ से, ठीक है जी। ये लोग इस बार रिक्रूटमेंट करेंगे, इसके अंदर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और काफी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज ये लोग निकाल रहे हैं। सो होपफुली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।